बार बता दूंगा आपको, मैं उनका आपस में मुकाबला कर रहा हूं कि वहां वो क्या देते हैं, हमारे क्या देते हैं। नेफ्रॉन कॉर्टेक्स, वो कहते हैं GFR करा के ना जी। GFR क्या होता है, उसकी मिकदार क्या है, आपको पता होना चाहिए कि GFR क्या है। एक अच्छे होम्योपैथ को मेटेरिया मेडिका का पहले अबूर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको उसकी फलासफी आनी चाहिए, मेटेरिया मेडिका। जब आपके जेन जैसे डॉक्टर साहब देख रहे थे तो पहली निगाह से कहते ये कास्टिकम है, ये नेट्रम है, और ये फास्फोरस है, ये कुछ है। जब पेशेंट आपके पास आता है आप उसकी हिस्ट्री लें, अगर उसे शुगर है आपके पास यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसन है, उसमें उसका बीपी भी शूट होता है, उसे कमजोरी भी होती है। आपके पास अगर शुगर की वजह से कमजोरी हो और कुडी फिल्म आपके पास जिनकम मेडमेंट है, अगर उसके पेट में पानी है तो आपके पास नेक्टम सल्फ मेडिसन है, उसे बहुत शिद्दत की प्यास है पूरा फूला हुआ है, आपके पास एपोसाइनर मेडिसन है। पेशेंट आपके सामने होगा, आपको मेटेरिया मेडिका आता होगा, आपको उसकी फौरन आप वहां पता पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उसकी कास देखें, क्या कास थी। जब आपको कास का नहीं पता, बीपी शूट हो जाता है जिसकी वजह से किडनी फेल रहती है, स्टोन फंस जाता है, बीपी जो है ना यूरिया करेडा बढ़ जाते हैं, तो आपको पता है कहां आप किडनी में स्टोन है, तो आप पहले स्टोन का मेडिसिन इलाज करेंगे। उसे सांस, ऐसे पेशेंट को सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, पीपल मार्सानिक आपके पास है, वन में एक डोज दें, उसकी सांस फौरन ठीक हो जाएगी। ऐसे पेशेंट को खांसी जरूर होती है, अभी लोबिलिया इन्फ्लांटा आपके पास ऐसी मेडिसिन है, उनके पास नहीं, आपके पास लोबिलिया इन्फ्लांटा मेडिसिन है, आप एक ही डोज से उसकी खांसी ठीक कर सकते। डॉक्टर साहब एक ही डोज से देते हैं लोबिलिया इन्फ्लांटा। आप उसकी कास को देखें, लेकिन उसकी उसकी अलामात को भी देखें, उसमें वॉमिट करता है, वो शिद्दत की वॉमिट होती है। आपके पास मार्फीना मेडिसन है, टोबैकम मेडिसन है, उनके यहाँ वो इतना नहीं है। आपको मार्फीना देने से उसका पेशाब भी आ जाएगा, उसकी उल्टी भी ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसन भी अबूर होना चाहिए, आपको मेटेरिया मेडिका भी। अक्सर लोग वैसी कैरिया भी देते हैं, एलिसिना भी देते हैं, ये बहुत पीछे रह गए। पेशेंट को कब्ज है, आपके पास ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ओपियम पेशाब भी लाती है, पेशाब नहीं बनता, वो कहते हैं पेशाब इसका बंद है। अक्सर डायलिसिस इसलिए होते हैं कि उसको पेशाब आ नहीं रहा होता, उनके सिवाय डायलिसिस के कोई इलाज ही नहीं है आपके पास, उनके पास नहीं इलाज। आपके पास दवाइया भवेरिया, उसे पंजाब में एड सट्टा भी कहते हैं, पेशाब बनाती भी है पेशाब लाती भी है, इतना पेशाब काट देती है आप लाएगी वो कहेंगे कि नाली नाली चल पड़ी है। ये सिर्फ होम्योपैथी को इलाज है। जब आप उसकी गुर्दे की स्वेलिंग को खत्म करेंगे, पेशाब आएगा तो केस आपका नॉर्मल तौर पर आ जाएगा। जब आपको पता ही ना हो कि ये है क्या चीज, तो फिर मुश्किल हो जाता है। स्टोन में अगर आप स्टोन आपके अक्सर नाली में फंस जाता है, मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ इसे देते हैं। ऑक्सीडेंड्रॉन आपके पास मेडिसिन है, ऑक्सीडेंड्रॉन नाली में अगर पथरी आके फंस जाए, किडनी फेल होता है, ऑक्सीडेंड्रॉन वरना में दे, 5 मिनट के बाद पथरी बाहर होगी। होम्योपैथी में अल्लाह पाक ने जितनी नेमत इस होम्योपैथी में दी है, बाकी इलाज में है अलग,
ये आपको लेकिन इसमें मेहनत है। एलोपैथ डॉक्टर आते हैं मेरे पास, अलहमदुल्ला डॉक्टर एलोपैथ डॉक्टर आते हैं, केस लाते हैं, उनके केस होते हैं। मैं बताता हूँ, ये देखे हमारे यहाँ होमोपैथी, अगर पेशेंट के डायलिसिस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोरी है, एचबी उसका कम है, यूरिया उसका बहुत बड़ा हुआ है, आपके पास वैसा ना एस ई डबल बकरी से कहते हैं, आप उसे दें, अगली दफा जब रिपोर्ट आएगी तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, चाहे वो 200 से भी अबव। आपने जितने भी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इस मेरे बात जितने मुझसे क्वेश्चन करें आपको हर चीज का जवाब दूंगा। आपके पास सीना है, कमजोरी है, पेट में पानी है, नेट्रम सल्फ आपके पास है, एपोस्टेनम आपके पास, नेट्रम सल्फ आपने नहीं छोड़नी, नेट्रम म्योर पानी की कमी को दूर करती है, नेट्रम सल्फ जो जिस समय पानी बढ़ा होता है उसको खत्म करती है। यूरिया आपके पास, आप सेना है, यूरिक एसिड से बढ़ जाती है, किडनी फेलर है, लिथम बेंजोनिक मेडिसन है हमारी, लिथम बेंजोनिक आप उसे 1 महीने में हर 3 दिन बाद दें, 10वें दिन आप उसका यूरिक एसिड चेक करा लें कहाँ पे होता है, वो पेशाब करता पेशाब आ रहा होता है, पेशाब के आखिर में मुझे शदीद जलन होती है, जोनी पेस वर्जिनस आपके पास ऐसे मेडिसन रखी हुए उसको ठीक कर दें। ये जितनी भी इलाज है सिवाय होम्योपैथी के किसी के पास भी नहीं है, हमारी उनसे ज्यादा काविशें हैं। डायलिसिस को आए डायलिसिस कर जाए वो क्या करते हैं, पानी निकालते हैं ना, फासिल मादे निकालते हैं, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है उनके पास, कोई ट्रीटमेंट उनके पास नहीं है, आपकी मेडिसिन उसे जाके किडनी को जाके अपना काम करती है, जिसमें शरीर खारिश हो जाती है, ऐसे पेशेंट को खारिश भी बहुत होती है। आपके पास एक्टिनेशिया है, घमासा आपके पास है, बीपी शूट हो गया, देखे जी अक्सर ये क्या बीपी शूट हो जाता है, किडनी फेलर का हमेशा बीपी शूट होता है। आपके पास यूरेनियम नाइट्रेट का मेडिसिन जाके पढ़ रहे हैं, आप उसे हर एक डोज दें उसका बीपी चेक कर लें, कोई आपको बैलेट होना ये लक्ष्य नहीं करनी पड़ेगी, आपको यूरिनियम नाइट्रिकम किडनी फेलर है, आप यूरिनियम नाइट्रिकम दे आप उसका रिजल्ट देते हैं। बाकी जितनी कोशिश करें आप मटेरियल अमेरिका को देखें, मटेरियल अमेरिका को पढ़ें और फलासफी देखें, आपको कहाँ आपको ये सवाल तो मुझे बता दें सर, इनकी सर पोटेंसी में आजाद फरमा दें सर, हर जैसे बताते हैं ना सर आप मेडिसिन। देखिए मैं बताता हूँ, जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना बड़ा थप्पड़ मारो, जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना बड़ा थप्पड़ मारो, उसको वार्डन में दो, सीएम में दो, किसी चीज की कमी है तो उसे नीचे से लाओ, उसे 30 में दो, पोटेंसी का बड़ा किरदार होता है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। सर ये आपने गुर्दे का जिक्र किया, गुर्दे के बारे में अगर पथरियां वगैरह हैं उसके बारे में मौजू से हट जाएंगे। पित्ते की पित्ते में जो होता है आप उनकी आप हिस्ट्री देखें तो उनमें टाइफाइड, उनको अक्सर पेशेंट को टाइफाइड हुआ होता है, तो पित्ते की पथरी के लिए सबसे पहले आप टाइफोडिनम वर्णम देंगे, सेम में देंगे, लाइकोपोडियम है अगर पेन में पेन है, कल्केरिया कार्ब है, चाइना है पित्ते की तकलीफ में, अगर बहुत शिद्दत का पेन है शीतल है आपके पास चेरिडोनियम में 2 कदे दें, पेन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अगर आपके किसी पेशेंट को गुर्दे में शदीद तकलीफ है, इतनी इतना पेन है कि वो आपके इंजेक्शन के अलावा कोई काम, आपके पास कैफिसिगीरिया और कालोसैन 3x में है, पोटेंसी देखे 3x है,
अब हर 5 मिनट के बाद में मेरे ख्याल दूसरी तीसरी खुराक नहीं रहेगा, वो उसको फौरन ठीक होगा। किसी का पेशाब नहीं खुल रहा तो आपके पास मेडिसिन है एपिस सल्फर एकोनाइट, ये अल्टरनेट दें या मिला के दे दें, अल्टरनेट दे दें, हर 5-5 मिनट के बाद पेशाब खुल जाएगा। किसी जानवर का भी बंद हो तो आप उसे दे दीजिए, खुद खुल जाएगा। जब भी आप बैक्टीरिया मेडिकल का बने, जब वो मेडिसन जो लिखता है ना मेडिसन, आप उसको देखें ये बनी किससे है, इसकी पिक्चर क्या है। ऐसे बैक्टीरिया मेडिकल हम पढ़ लेते हैं, पहले उसको देखें उसकी पिक्चर क्या है, ये किससे बनी है, इसका फिजियोलॉजी एक्शन क्या है, इसकी पैथोलॉजी एक्शन क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये एक्टोडाइड है बनी किससे है, इसके एक्शन पैथोलॉजी इसका फिजियोलॉजी एक्शन क्या, आपको क्या चलेंगे। मेडिरिया मेडिका को आप बैठ के एक दवाई को पढ़े, बार बार पढ़े और समझे इसने क्या कहा है, इसकी पिक्चर क्या है, फिर इसकी उसकी अलाम उसकी जहनी अलामत देखे, उसकी कमी बेशी देखे, फिर उसकी पोटेंसी का कार्यन करे। सैमसन रोटा जो है प्रोस्टेट की वजह से जो है ना वो हो जाता है। अब अक्सर डॉक्टर जो है ना वो सैमसन रोटा क्यों में देते हैं, वो इंतहा गलती भी होती है। किसी के मेमोरी ग्लैंड बढ़ाने हो तो हम साइबर सोटा क्यों में देते हैं, हम उसे बढ़ाते हैं। आप साइबर उसे प्रोस्टेट में देंगे तो बड़े का काम नहीं होगा, आप साइबर सोटा उसे 200 में देंगे, आपका प्रोस्टेट का केस कैसे ठीक होता है। जब आप क्यों में देते हैं तो आप तो फेल हो जाते हैं, आपका प्रोस्टेट है पेशाब आपका बंद है। पेशाब में आता है तो उसमें पस आ रही है, उसमें जो है ना रेड सेल आ रहे हैं, आपके पास थूजा है कैंथ्रेस है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बूढ़ों के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, जिन बूढ़े लोगों के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं उनकी दवाई एक ही है ब्रेटाकार। जिन बूढ़ों के मसूड़े दांतों को छोड़ जाते हैं उनकी दवाई है ब्रेटाकार। जिन बूढ़ों की टांगों में पिंडलों में दर्द होता है उनकी दवाई कालिंग, उनको पोटेशियम की कमी हो जाती है। और शुगर के मरीज को जो कमजोरी होती है शिद्दत की कमजोरी थी, आपके पास जिंकम मेट उसकी मेडिसिन है और नेटम सल। तो मेरी आप लोगों से दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप मेडिटेशन मेडिकल को देखें और ऐसी महफिलें देखें, जितनी शेयरिंग हम आपस में करके जो सीखते हैं, आइए हमने बहुत कुछ सीखा है उस मांगली साहब से, हम शेयरिंग करते हैं आपस में। जब तक आपको शेयरिंग नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा। अब हम जब लोधरा बैठ के चाय पी रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, हम मुसलसल किडनी पे हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया, हमने गप्पो शप्पो में नहीं रहा, चाय पी लिया खाना खा लिया वहां बैठ के हमने मेडिसिन के बारे में कहा। एक शौक की बात है, एक किडनी फेलर को आप आसानी से आप केस लें, आप डरे नहीं सोचे नहीं, आप देखिए क्यों हुआ है यार, उसको कहा देंगे आपको खुद पे, आपको मेडिसिन पे जो है ना यकीन होना चाहिए। जब आपको खुद पे यकीन होगा तो आप अल्लाह उसकी जो है ना वो मदद करता है खुद बहुत, उसकी दवाई मेटीरियल मेडिकल का पता चल गया क्या है यार, ये आसानी से है यार, पाँव सूजे हुए हैं टांगों में सूजा हुआ है, प्यास नहीं है तो आप ऐसे प्यास है तो आपके पास जी बाजा जी, आंखें उसकी फैली हुई है पुतलियाँ तो आपके पास बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको उस फोर स्पून प्रोटीन आ रही होती है। किडनी फेलर के पेशेंट जब उसका जो टेस्ट आते हैं तो प्रोटीन आ रही होती है,
हेलीबोर, आर्सेनिक एल्बम, कल्केरिया फास, ये प्रोटीन की टॉप क्लास मेडिसिन है। किडनी फेलियर का जो भी पेशेंट आएगा वो उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो प्रोटीन पॉजिटिव लिखी होगी, 3+1+1+1+ तो आपके पास मेडिसिन है, हेलीबोरस है, आर्सेनिक है, कल्केरिया फास है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी फेलियर के अंदर क्या कम्युनिकेशन होती है, उसका हल क्या है। तो बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरे लिए कोई भी किसी किस्म का सवाल कोई हो, कोई मशवरा हो तो ये भाई हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमान हैं।